अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे वाइट चना मसाला। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया। ऑयल गर्म करने के बाद उसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया। इसके बाद इसमें हमने 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें साथ ही हमने 2 अदद हरी मिर्च भी साथ में मिक्स करके पेस्ट बना लिया था, यहाँ इसमें हम वो ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसे हमें भूनना है, इतना कि इसमें कच्चापन ना रहे। 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप चाहें तो इसे कवर अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ 4 से 5 मिनट तक इसे इसी तरीके से भूनने के बाद इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो मसालों में शामिल है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो यहाँ धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। नमक होगा हसबे जायका। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब इसे हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे मज़ीद हम कुक करेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पेस्ट। आप हसबे ज़रूरत इमली लीजिए, भिगो दीजिए, आखिर में उसका पेस्ट इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ इसमें हमने इमली का पेस्ट ऐड किया। इसमें पानी बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से इसे हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल चने और साथ ही बॉयल आलू भी इसमें हम ऐड करेंगे। और इसे इस तरीके से मसाले में हम कोट कर लेंगे। पानी इसमें हमें ऐड नहीं करना। इसकी कुकिंग इसी तरीके से होगी। तो यहाँ इसे हम मसाले में अच्छे तरीके से कोट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है। 1/2 लेमन जूस इसमें हम ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए इसे हम कवर अप कर देंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। वाइट चने ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे और यहाँ ये बनके तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।